नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 मैंने कल दे दिया था और आपको कल भी बताया था मैंने कि डेली शाम को यानी कि इवनिंग को आपकी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज़ के पार्ट आते रहेंगे। तो आज भी आपके टॉप 20 सवाल है राजस्थान के हर एक एग्ज़ाम में यूज़फुल होने वाले हैं, राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, हाईकोर्ट या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता हो। तो वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान राज्य की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? कमला बेनीवाल, नम्रता भट्ट, यशोदा देवी या फिर पार्वती गहलोत? फटाफट से बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पहले का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला, पार्वती गहलोत। ये राजस्थान राज्य की प्रथम महिला डॉक्टर थी। जितने भी राजस्थान के प्रथम है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे कोई भी व्यक्ति के तौर पे है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर या फिर जैसलमेर? कहाँ पे होता है सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक? फटाफट से बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, सेकेंड का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। श्रीगंगानगर में होता है सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक राजस्थान के अंदर। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन कि बेड़स नदी जिसकी सहायक नदी है वह है, यानी कि बेड़स नदी किसकी सहायक नदी है, आपको यह बताना है, लूनी की, बनास की, साबरमती की या फिर सोम नदी की? सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक नदी की जो भी सहायक नदी है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे कोई भी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों, तीसरे का आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, बनास नदी। बेड़स नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की। अगला क्वेश्चन चौथा कि अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है निम्न चार ऑप्शन में से? जोधपुर, झालावाड़, जयपुर या फिर प्रतापगढ़? आपको क्या बताना है अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला इन चारों में से? तो क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए वाला, जोधपुर। जोधपुर क्या है? अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन कि राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? कहाँ हुई और कब हुई, दोनों चीज़ आपको बतानी है। तो देख लीजिए, चार ऑप्शन है, कहाँ का बता रखा है, जयपुर, ब्यावर, माउंट आबू और अजमेर, और कब हुई का चार ऑप्शन अलग अलग है, 1869, 1867, 1864 एंड 1866। तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? माउंट आबू के अंदर 1864 में। उसके बाद कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी 1866 में। उसके बाद तीसरा ब्यावर में हुई थी 1867 में। और उसके बाद चौथा कौन सा था? जयपुर 1869 में। ये चारों लाइन से याद कर लेना, पहला माउंट आबू हो जाएगा, दूसरा अजमेर, तीसरा ब्यावर और चौथा जयपुर। छठा क्वेश्चन कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? चार ऑप्शन देख लीजिए, श्रीमती तारा भंडारी, श्रीमती कमला, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती वसुंधरा राजे। फटाफट से बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रह चुकी है। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? बताइए फटाफट से, कितनी बार लगाया राजस्थान में राष्ट्रपति शासन? तो अगर आपको पता है तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, चार बार लगा है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि चार बार कब कब लगा है ईयर के साथ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस टाइम पे लगा। आपको आज का टाइम देता हूँ, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। आज में जितने भी स्टूडेंट जवाब दे देंगे, कल मैं क्या करूँगा, कमेंट बॉक्स में चारों ईयर आपको डिटेल में बता दूंगा, तो वहाँ से आप अपने भी चेक कर सकते हो। और गलत होता है तो कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करना जिनको भी पता हो। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन कि धामण, सुगनी, बूर, फोग, सेवण आदि पौधे राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? चार अलग अलग क्षेत्रों के आपको यहाँ पे नाम दे रखे हैं, फटाफट से ऑप्शंस पढ़ के उनके आधार पे जवाब दे दीजिए।
तो उम्मीद करूंगा कि आपने आंसर सोच लिया होगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ये पौधे कौन कौन से? धामण, सुगनी, बूर, फोग और सेवण। आज का 9वां क्वेश्चन कि देश का पहला गौमूत्र रिफाइनरी व बैंक कब व कहाँ प्रारंभ हुआ? कहाँ में देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, जालौर, अलवर, कोटा, अजमेर। कब के लिए भी अलग अलग ऑप्शन है, 3 मई 2015, 10 जून 2015, 10 अगस्त 2015 या फिर 18 अगस्त 2015। यानी कि इतना आपको पता चल गया है कि 2015 का ही है। अगर आपको जगह पता है तो आंसर आपको पता हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है दोस्तों ए वाला, 3 मई 2015, जालौर। जालौर का जो सांचौर एरिया है उसके पास पथमेड़ा स्थान आपने सुना होगा, वहाँ पे ये स्थापित किया गया था। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? खेड़ली में, नदवई में, सेवर में या फिर बांदीकुई में? देख लीजिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर। अब ये सेवर है कहाँ पे? भरतपुर में, भरतपुर सेवर। सी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन कि देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बघेला राजा कर्ण ने, विमल शाह ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या संप्रति ने? फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, विमल शाह ने करवाया था देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन कि गादिया सिक्के या फिर गदिया सिक्के भी कहते हैं किस राज्य से संबंधित थे? पुराने ज़माने की अगर प्राचीन समय की बात करें तो सिक्कों की यहाँ पे बात हो रही है, गदिया सिक्के की आपको यहाँ पे बताना है कि किस राज्य से संबंधित थे? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब देना। तो क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी वाला, उदयपुर से संबंधित है, उदयपुर राज्य से संबंधित है गदिया सिक्के। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन के वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा है, कौन सा किला है वो? लोहागढ़, भरतपुर, बाला किला, मांडलगढ़ या फिर अचलगढ़? तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके उसे फॉलो कर लीजिए। पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं उनके भी PDF मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हो और आज वाले वीडियो की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए 13वें का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोहागढ़, भरतपुर। 14 क्वेश्चन के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या फिर महाराणा कुंभा ने? चारों में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा फटाफट से बताइए। तो क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, महाराणा राज सिंह ने नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित कराया था। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन कि जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दिया था? मुअज्जम, मुराद, औरंगजेब या फिर दाराशिको? देख लीजिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो किसका साथ दिया था दोस्तों? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दाराशिको। इसका साथ दिया था महाराजा जसवंत सिंह ने। 16वां क्वेश्चन कि जयपुर के प्रतापी व विद्यानुरागी शासक प्रताप सिंह स्वयं किस नाम से काव्य रचना करते थे? राधा गोविंद, ब्रज सुंदर, ब्रज निधि या फिर ब्रज बिहारी? किस नाम से काव्य रचना करते थे ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ब्रज निधि नाम से काव्य रचना वो करते थे। 17वां क्वेश्चन कि जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई? जोधपुर, बीकानेर, टोंक या फिर भरतपुर? किस रियासती राज्य से हुई बताइए फटाफट से। जसनाती संप्रदाय नाम आपने सुना होगा, किस राज्य से बिलोंग करता है? जी हाँ दोस्तों बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी।
आज का हमारा 18वां क्वेश्चन कि जल झूलनी या फिर ऐसा कह सकते हैं देव झूलनी एकादशी मनाई जाती है किस दिन। अब देख लीजिए चार ऑप्शन आपके सामने, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, या फिर माघ कृष्ण एकादशी को, या फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। बताइए फटाफट से जल झूलनी या फिर देव झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है। तो दोस्तों ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1900 क्वेश्चन के जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, अब उसे क्या कहते हैं? कैरियावार, जलवा समारोह, या फिर अंगवारो, या तोरण समारोह। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस आयोजन को दोस्तों कहा जाता है जलवा समारोह, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन के झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? झाला जालिम सिंह, जालिम सिंह द्वितीय, महाराज राणा भवानी सिंह, महाराजा राणा राजेंद्र सिंह। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, महाराज राणा भवानी सिंह। और दोस्तों अगर आपको कोई भी पर्सनली डाउट पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, RATHORE11ABHI, ये इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। साथ ही साथ फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके उन्हें भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आपका जो भी स्कोर रहा हो आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपके इतने सही हुए, इतने गलत हुए। ये आपका टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है, जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है फटाफट से चैनल पर आके देख लेना और उसे भी अटेंड करना, उसमें भी आपका टेस्ट दे देना। और डेली आपको इवनिंग में टेस्ट सीरीज आती रहेगी, तो डेली इसे अटेंड करते रहना। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।